हम भड़के के उन पे जो गलत नियत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ, हम भड़के के उन पे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान, उसकी जूती बजाना भी जानते हैं और वक्त आने पर उसकी जूती को किसी के सर पे मारना भी जानते हैं। मूल निवासी हम भारत के, फिर भी डर के जीवन से बड़ा पाप का, गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, याद रहे लोगों को। जिन लोगों पे भरम हो चुका है कि वो संविधान को बदल देंगे तो घबराओ मत, गोरे गांव याद करा दे फिर पछे पछताओगे, सारा लोजन खड़ा हो या चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं और वक्त आने पर उसकी जूती को किसी के सर पे मारना भी जानते हैं। मूल निवासी हम भारत के, Oh, my God.
विधानसभा फरीदाबाद 89 में आप देखिए गाड़ियों का लंबा काफिला पूरी विधानसभा में घूम रहा है। विजय किशन जिनका चुनाव चिन्ह है चाय की केतली, हर गरीब मजदूर का निशान केतली, आपका अपना निशान केतली, हमारा निशान केतली। केतली के सामने वाले बटन को दबाकर आज होना है विजय किशन को। ये विजय किशन जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं लेकिन आजाद समाज पार्टी के झंडे भी हैं और चंद्रशेखर आजाद का फोटो भी है और आप देखें गाने भी लगातार चंद्रशेखर आजाद के ही बज रहे हैं। इन्हें समर्थन नहीं दिया गया था पार्टी तरफ से। बहुत लंबी कतार है विधानसभा 89 फरीदाबाद में। तो आने वाली 5 अक्टूबर को केतली के सामने वाले बटन को दबाकर विजय कृष्ण को भारी मतों से विजयी बनाना है। चुनाव चिन्ह चाय की केतली, आपका नौजवान साथी, 2400 घंटे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला आपका साथी विजय कृष्ण विधानसभा फरीदाबाद 89 से विजय कृष्ण जी का चुनाव चिन्ह है चाय की केतली। Thank you.
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा फरीदाबाद की लाइन से। विजय किशन जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आज प्रचार के अंतिम दिन मोटरसाइकिल लेकर के और अपने समर्थकों के साथ निकले हैं अपने क्षेत्र में, और एक अनोखा प्रचार आज यहां पर देखने को मिल रहा है। झंडे पार्टी के हैं, आजाद समाज पार्टी के, लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी है। चंद्रशेखर को अपना नेता मानते हैं, इसलिए उन्होंने उनका फोटो और झंडे का इस्तेमाल किया है। नारा, जहाँ पे झुकी वही मकान, जहाँ पे खोता वही शिक्षा छीनी, चिकित्सा छीनी, छीन लिया रोजगार, अब भी ना वो दो अकेले दलित प्रत्याशी हैं विधानसभा 89 से। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की जो प्रत्याशी थी वो कांग्रेस के पाले में चली गई थी टिकट मिलने के चंद दिन बाद ही, निशा वाल्मीकि। प्रयास किया गया था इनकी तरफ से कि आजा समाज पार्टी इन्हें समर्थन दे और अपना प्रत्याशी घोषित करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
आज ये पार्टी का झंडा और चंद्रशेखर आजाद की फ़ोटो लगा करके क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। गाड़ियों का काफिला भी आप देखें, पीछे कम से कम 50 गाड़ी है जो इसके समर्थकों की है, जो इनके साथ में चल रही है। फरीदाबाद विधानसभा 89 की ये तस्वीरें हैं। परिणाम क्या होंगे ये 8 अक्टूबर को तय होगा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का प्रचार ज़रूर किया जा रहा है। और देखिए अपना प्रचार खुद ही कर रहे हैं, ये जो आप सुन रहे हैं इन्हीं की आवाज़ है। इनका चुनाव निशान भी कितनी है, इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का झंडा भी इस्तेमाल किया है, उनकी फ़ोटो भी इस्तेमाल करी है। यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद का प्रत्याशी निशा वाल्मीकि जो महिला थी वो कांग्रेस के पाले में चली गई थी टिकट मिलने के ठीक 2 या 3 दिन बाद ही। प्रयास किया गया कि पार्टी इन्हें टिकट दे या एक समर्थन में लेटर जारी करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इनका कहना है कि चंद्रशेखर को अपना नेता मानते हैं, और केतली का निशान है देखिए, उनके समर्थक केतली के चल रहे हैं। दलित वोटों की संख्या भी इस विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा है, और ये अकेले दलित प्रत्याशी हैं। आज प्रचार का अंतिम दिन है। नेशनल आर्टिस्ट अगर बहुजन जाग गया तो
तो समझो कि ये 15% यहाँ से भाग गया। तुम मूर्तियां न तोड़ो सो कुदरतों के घर फोड़ो सो आतंक मचाया से अब सहन न करेगी यादो भीम आदमी अब जुल्म न सहेगी यादो भीम आदमी। हम बढ़ गए उनपे जो गलत ये सकते हमारी बहनों की तरह हम बढ़ गए उनपे जो हमारे भाइयों का हमारे अपना सम्मान सिंचाई माया से Thank you.